माथुर ले रहे बैठक सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी मौजूद। जिले के 3 विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक ले रहे हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी मौजूद हैं। जिले के तमाम जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। तो चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिले के 3 विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ नाम भी घोषित हो चुके हैं, बीजेपी की तरफ से 21 नाम सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी कोशिश यह है कि किसी तरीके से अपनी खोई जमीन को वापस पाया जाए। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्या रणनीति बन रही है बीजेपी के अंदर, क्या जानकारी? जी, आपको मैं बताऊं कि जो प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, वे सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ में जशपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वे भी साथ में अरुण साव, और तीनों मिलकर यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। कुछ लगभग 2 दर्जन कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश भी किए हैं नए कार्यकर्ताओं ने। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि यहां जो टिकट वितरण को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, काफी गुटबाजी की बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर पार्टी सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है। और जो ओम माथुर है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हें ही पार्टी टिकट देगी। फिलहाल जो है ओम माथुर कोर कमेटी के जो ग्रुप के सदस्य हैं उनकी बैठक ले रही है और आने वाले समय में बहुत जल्द उन्होंने टिकट की घोषणा की भी बात कही है। तो लगातार यहां पर पार्टी जो है मजबूती से संगठन को एकजुट करने के प्रयास में लगी।